भारत और नेपाल के बीच लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। रोटी बेटी के साथ वाले नेपाल में अचानक से भारत विरोध की आंच तेज हो गई है। नेपाल का नया नक्शा जारी करने के ऐलान के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत पर सिंहमेव जयते का तंज कसा। यही नहीं, नेपाल इन भारतीय इलाकों में अपनी हथियारबंद उपस्थिति भी बढ़ा रहा है। भारत और नेपाल के वर्तमान विवाद की शुरुआत 1816 में हुई थी। तब ब्रिटिश हुकूमत के हाथों नेपाल के राजा कई इलाके हार गए थे। इसके बाद सुगोली की संधि हुई, जिसमें उन्हें सिक्किम, नैनीताल, दार्जिलिंग, लिपुलेख, कालापानी को भारत को देना पड़ा था। हालांकि अंग्रेजों ने बाद में कुछ हिस्सा लौटा दिया। यही नहीं, तराई का इलाका भी अंग्रेजों ने नेपाल से छीन लिया था। लेकिन भारत के वर्ष 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में नेपाल के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों ने उन्हें इसका इनाम दिया और पूरा तराई का इलाका नेपाल को दे दिया। तराई के इलाके में भारतीय मूल के लोग रहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने जनसंख्या के विपरीत पूरा इलाका नेपाल को दे दिया। नेपाल मामलों पर नजर रखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्ष 1816 के जंग में हार की कसक नेपाल के गोरखा समुदाय में आज भी बनी हुई है। इसी का फायदा वहां के राजनीतिक दल उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच जारी इस विवाद में एक दिक्कत ये भी है कि नेपाल कह रहा है कि सुगोली की संधि के दस्तावेज गायब हो गए हैं। वर्ष 2015 में नेपाल के संविधान में बदलाव करने पर भारत और नेपाल के बीच रिश्ते और ज्यादा तल्ख हो गए। भारत की तरफ से अघोषित नाकाबंदी की गई थी और इस वजह से नेपाल में कई जरूरी सामानों की भारी किल्लत हो गई। इसके बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में पुराना भरोसा नहीं लौट पाया। भारत नेपाल के नए संविधान से संतुष्ट नहीं था। ऐसे आरोप लगे कि नेपाल ने मधेसियों के साथ नए संविधान में भेदभाव किया। नेपाल में मधेसी भारतीय मूल के लोग हैं और इनकी जड़ें बिहार और यूपी से जुड़ी हुई हैं। मधेसियों और भारत के लोगों में रोटी बेटी का साथ है। भारत के नाकेबंदी के बाद भी नेपाल ने अपने संविधान में कोई बदलाव नहीं किया और नाकाबंदी बिना किसी सफलता के खत्म करनी पड़ी। भारतीय अधिकारी ने बताया कि नेपाल में मधेसियों के साथ भेदभाव के आरोप में काफी हद तक सच्चाई है। नेपाल में सरकारी नौकरियों में पहाड़ी समुदाय का कब्जा है। मधेसियों को पहाड़ी लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं। नेपाल में मधेसियों को धोती कहकर चिढ़ाया जाता है। पहाड़ी ये समझते हैं कि मधेसी लोग नेपाल के प्रति नहीं बल्कि भारत के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं। चलिए अब आपको बता दें कि भारतीय अधिकारी का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। भारतीय अधिकारी ने बताया कि नेपाल की सियासत पर इन दिनों माओवादी दलों का कब्जा है। वहाँ पुरानी पार्टी नेपाली कांग्रेस नेप्ते में चली गई है और वाम दल पहाड़ी लोगों में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं। पीएम केपी शर्मा ओली ने भी पिछले चुनाव में भारत के खिलाफ जमकर बयानबाजी की थी। उन्होंने भारत का डर दिखाकर पहाड़ियों और अल्पसंख्यकों को एकजुट किया और सत्ता हासिल कर ली। मंगलवार को केपी शर्मा ओली ने संसद में भारतीय सेना प्रमुख पर भी निशाना साधा था। ओली ने कहा कि कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख हमारा है और हम उसे वापस लेकर रहेंगे। वहीं इस विवाद पर नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने भारत पर तमाम आरोप लगाए। ओली ने आरोप लगाया कि भारत ने अपनी सेना इन जगहों पर रखकर उसे विवादित इलाका बना दिया। उन्होंने कहा, वर्ष 1960 के दशक में भारत के सेना तैनात करने के बाद वहां पर नेपाली लोगों का जाना रोक दिया गया। नेपाल में भारत के विरोध का आलम ये है कि भारत में रहने वाली अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने भारत के खिलाफ बयान दिया है।
मनीषा कोइराला नेपाल के कोइराला परिवार से आती हैं, जो लंबे समय तक नेपाल में सत्ता में रहा। नेपाली पीएम केपी ओली ने मंगलवार को संसद में ये भी दावा किया कि हमारी सरकार के प्रतिनिधि चीन से बात कर रहे हैं। चीन ने कहा है कि लिपुलेख से मानसरोवर तक की सड़क भारत चीन के बीच ट्रेड और पर्यटन के लिए है और इससे लिपुलेख के ट्राई जंक्शन स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहें एचबीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।